मेरे ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का केस था। मैं यहाँ से अहमदाबाद ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वहाँ पे मैं 26 फरवरी की रात को एटीएस ने गिरफ्तार किया, फिर 14 मार्च को मीडिया के सामने पेश किया। तो इस तरह उन्होंने मेरे ऊपर ये केस बनाया। आज 12 साल के बाद मुझे कोर्ट ने रिहा किया। मुझे कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी किया, सिक्योर किया मुझे कोर्ट ने। और चूंकि जेल अपने अंदर एक कैदखाना जो होता है, बहरहाल अच्छी जगह नहीं है, मगर मैं घर से बाहर था और मेरे लिए अच्छा यही था कि मैं किसी एक्टिविटी में अपने आप को रखूं। तो मैंने अपने आप को स्टडी में रखा, स्टडी की वहाँ पे। और चूंकि अल्लाह ताला के फजल करम से थोड़ा अचीव भी किया, मैंने पीजीज भी की। हमें पता ही था कि ये बेगुनाह है, अब ये बेगुनाही कब साबित हो उसमें तो टाइम लग ही जाता है, और ऊपर से ये तो कोर्ट का मसला होता है। अब घर आ गए तो ये तो पता ही है कि घर आने के बाद में क्या खुशी होती है, क्या फीलिंग होती है। जो चीज़ इंसान को 12 साल दूर रखती है, वो 12 साल के बाद वो सामने आ जाती है, तो क्या एक्सप्रेशन रहता है।